इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल नौकरियां जो है सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है, भरमार होने वाली है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की शुरुआत होने वाली है। जो जो कैंडिडेट जिस विभाग में नौकरी की तलाश में है वह संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नजर बनाए रखें। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस आपको मिलने वाली हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मांगी गई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करें, तभी आवेदन करें। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मेडिकल कॉलेज में 58,961 भर्ती करने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भी भर्ती के लिए पदों की संख्या को बढ़ाकर 35,757 कर दिया गया है। राज्य में मेडिकल सुविधाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार ये काम कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कैंडर में भी कुछ पदों को नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC के मुताबिक किया गया है। पदों की भर्ती के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने आदेश भी जारी किए हैं। इन पदों के लिए आपको बता दें कि स्टेपन बाय स्टेपन भर्ती के लिए संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस भर्ती की प्रक्रिया में आपको बता दें कि KGMU में 10,042 और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑफ मेडिकल साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3,862 पद भरे जाएंगे। इसके तहत KGMU में अकेडमिक कैंडर की अगर बात करें तो अकेडमिक कैंडर में ब्रॉड स्पेशलिटी और मेडिकल टीचर के 434 और रेजिडेंट के 607 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा रेजिडेंट के 134 और सुपर स्पेशलिटी टीचर के 81 पद भरे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि नॉन मेडिकल कैंडर की अगर बात करें तो नॉन मेडिकल कैंडर में अकेडमिक कैंडर में जो है 7,659 रेगुलर पदों को भरना होगा। इसके साथ ही 1,171 अकाउंट पोस्ट जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, सोर्सिंग अकाउंट सोर्सिंग की पोस्ट है, उनमें भर्ती होगी। RLM में कुल 3,862 पदों की भर्ती होगी। यही भर्ती अकेडमिक कैंडर में जनरल स्पेशलिटी वाले मेडिकल टीचर और रेजिडेंट के 680 पदों पर होनी है। इसके अलावा RML में ही सुपर स्पेशलिटी के 123 मेडिकल टीचर और रेजिडेंट के पद भरे जाने हैं। वहीं नॉन अगर हम अकेडमिक कैंडर की बात करें तो वहां 2,751 पद रेगुलर वाले 308 पद जो है वो आउटसोर्सिंग वाले भरे जाने हैं। यूपी पुलिस में भर्ती की अगर बात की जाए तो अब यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,200 पद, साथ ही साथ PSSC में कांस्टेबल के 8,500 पद और फायरमैन में 1,057 पदों की भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारी बरसात होने वाली है सरकारी नौकरियों लेकर। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप जल्द से जल्द अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमने आपको पद बताए हैं इन पर जल्द ही भर्ती होने वाली है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।